अयोध्या में दिव्य राम मंदिर का काम तेजी से किया जा रहा है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हजारों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आएंगे। भक्तों की सुविधा को देखते हुए सरकार ने खास कदम उठाए हैं। दरअसल विभिन्न स्थानों पर हजारों श्रद्धालुओं को पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग तमाम नए व्यवस्थाएं कर रहा है। अयोध्या आने वाले लोगों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए परिवहन विभाग नए डिजाइन के इलेक्ट्रॉनिक ऑटो की सेवा शुरू करने जा रहा है। पिंक ऑटो को महिला चालक द्वारा चलाया जाएगा तो वही सफेद ऑटो को पुरुष चालक चलाएंगे। राम भक्तों के लिए है तो ये मंदिर तक पहुंचाएंगे स्टेशन से। लोग देख के क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अच्छा है, उनके सेवा के लिए गाड़ियां आई हुई हैं। इलेक्ट्रिक है? हाँ, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। कहीं ना कहीं प्रदूषण भी? हाँ, प्रदूषण तो वैसे ही खत्म होगा। पोल्यूशन की तो कोई बात ही नहीं रहेगी जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेगी। लग रहा है चलाने में? हमको तो अच्छा लग रहा है, हम तो 1.5 साल से चला रहे हैं दिल्ली में। अभी यहाँ अयोध्या में चलाएंगे? हाँ, अभी तो अयोध्या में चलाएंगे। अयोध्या में आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अयोध्या नगरी को देख के कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अयोध्या नगरी को देख के तो हर किसी को, देखो दूसरे देश के लोगों को आने के लिए कितनी वो परमिशन चाहिए होती है, इसलिए हम तो अपने देश के हैं तो हमको अच्छा नहीं लगेगा क्या? 22 जनवरी को विभिन्न स्थलों पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में लोगों को पहुंचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले इन इलेक्ट्रिक वाहनों को कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।